हेलो दोस्तों, तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ न्यू टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। वैसे तो ये बड़ा कॉमन सा इजी टॉपिक है, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री एंड द टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन विल हेल्प अस टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसके लिए देखिए, मैंने सबसे पहले एक बड़ी सी बिल्डिंग को ड्रॉ किया। आई वॉन्ट टू मेजर द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, बट द Interesting thing is, without measurement, I will find the height of this building. तो पहले मैं अपनी position को set कर लेती हूँ। मैं building से 80 meter distance पर खड़ी हूँ और मैं building के foot की तरफ देख रही हूँ। Foot को देखते हुए मेरी आँखें बिल्कुल horizontal line में हैं, यानी कि बिल्कुल top point पर मैंने अपनी आँखों को turn किया ऊपर की तरफ। जिस लाइन के अलोंग मैं टॉप पॉइंट को देख रही हूँ, उस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट। तो यानी एक न्यू टर्म हमें सीखने को मिली, लाइन ऑफ साइट। इट इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द आईज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर मैंने अपनी आंखों को एक एंगल पे टर्न किया अपवर्ड, तो मैं उस एंगल को फिक्स कर रही हूँ। वो एंगल कितना है? 60 डिग्री। मगर आप लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखें कितने डिग्री एंगल पे टर्न हुई हैं। तो उसके लिए मेजरिंग टूल होते हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी आईज कितने डिग्री एंगल पर टर्न हुई है। इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी एक न्यू टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं। इट इज द एंगल फॉर्म्ड अपवर्ड बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन से अपवर्ड साइड में बनता है, और इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन इस बिल्डिंग के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इट मीन्स ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो फिगर बन गई है, ये एक राइट ट्रायंगल को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्यों नहीं हेल्प ले रहे, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन से हेल्प लेकर इस बिल्डिंग की हाइट को फाइंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एटलीस्ट दो साइड पता होनी चाहिए, तभी हम थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। मगर इस फिगर में हमें सिर्फ एक ही साइड पता है और दूसरा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है 60 डिग्री। तो इसीलिए हम इस एंगल ऑफ एलिवेशन से हेल्प ले रहे हैं। तो चलिए इस राइट ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं ए बी सी। यानी ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कैसा बन गया, एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई है। और आप जानते हैं कि हम राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ए बी अपॉन बी सी। तो एक फिक्स रूल है जो हमें फाइंड करना है, ए बी इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, उसे हमेशा हम न्यूमरेटर में रखेंगे। जो भी साइड हमें फाइंड करनी है वो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें बी सी गिवन है, तो हम उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ए बी इस फिगर में परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी सी जो है वो बेस है। बी सी बेस क्यों है? क्योंकि एंगल जो बना है वो बी सी पर बना है, और जिस साइड पर एंगल बनता है हम उसे हमेशा बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम चेक करें, हमने एक कोटेशन आपको सिखाई है अपनी लास्ट वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिप्रेजेंट करता है टेन थीटा को, तो इसीलिए हमने टेन थीटा को लिखा टेन 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। अब हम वैल्यूज रखते हैं, ए बी हमें नहीं पता, बट बी सी की वैल्यू 80 हमें पता है, तो हमने बी सी को 80 रखा। और टेन 60 डिग्री होता है रूट 3 के इक्वल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए 80 को राइट में जाना है, जो डिवाइड है वो राइट में जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ए बी की वैल्यू आई 80 रूट 3 मीटर। यानी हमने इस बिल्डिंग की हाइट को कैलकुलेट किया द
दिस इज 80√3 मीटर। तब हम सीखेंगे कैसे हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर दिस आई एम टेकिंग अ टावर। इस टावर की हाइट ऑलरेडी मुझे पता है 100 मीटर है। चलिए तो मैं अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेती हूँ और मैंने इस टावर के फुट को देखा और हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग देखा। अब मैंने अपनी आंखों को टर्न किया इसके टॉप तक और जिस लाइन के अलोंग मैंने इतनी आंखों को टर्न किया उस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और जिस एंगल पे मैंने अपनी आईज को टर्न किया उस एंगल का मेजरमेंट है 45 डिग्री। मैंने एक मेजरिंग टूल से इसे मेजर किया। अब मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं एक बड़ी सी वायर को कनेक्ट करना चाहती हूँ इसके टॉप से और ग्राउंड तक। तो मुझे फाइंड करना है कि कितनी डिस्टेंस है इसके टॉप से ग्राउंड तक। तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मेरी हेल्प करने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों रखा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन से अपसाइड डायरेक्शन में बना है। अब देखिए सिचुएशन फिर से 90 डिग्री बना रहा है ये टावर हमारी हॉरिजेंटल लाइन के साथ। इट मींस दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। इसकी नेमिंग कर लेते हैं एबीसी और इस ट्रायंगल एबीसी का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें फाइंड क्या करना है, एसी। तो जो फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो हमें गिवन है इसमें गिवन है AB, तो AB हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। और देखिए सिचुएशन हमें हेल्प करेगी ये कोटेशन क्या है, AC इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और AB जो है वो इस ट्रायंगल का है परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कॉसिक थीटा को, क्योंकि कॉसिक थीटा जो है वो साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। उसके बाद देखिए AC हमें फाइंड करना है और AB की वैल्यू 100 हमें पता है, ऐसे ही कॉसिक 45 की वैल्यू हमें याद रखनी है, दिस इज √2। AC फाइंड करने के लिए इस 100 को राइट में जाना पड़ेगा और जो डिवाइड है राइट में गया कैसे, मल्टीप्लाई हो गया। तो AC यानी उस वायर की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली कितनी होनी चाहिए, 100√2 विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग टेप। हमने उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, दिस इज द वेरी अमेजिंग थिंग। अब देखिए हम अपनी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो। सो इन कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज वेरी यूजफुल, हेल्पफुल फॉर द माउंटेनियर्स। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन एविएशन, एविएशन मतलब फॉर पायलट इट इज वेरी यूजफुल टॉपिक। नेक्स्ट टू फाइंड द हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग एज आई टोल्ड यू इन द वीडियो। Next, it is very helpful for the astrologers also. So, this is very important topic. So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। Thank you.